दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय नमस्कार आदा सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामी नारायण जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों आपने ये तो सुना होगा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। दुनिया में सब लोग कर्म की बातें करते हैं, कहते हैं अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करो तो इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो क्या ये सही है? पूरी जिंदगी जो हम कर्म करते हैं क्या उसका इसी जन्म में भुगतना पड़ता है या फिर हमारे पास लाइफ का भी कोई चक्कर है? चलिए जानते हैं अपने आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। सब लोग स्थानक मंदिर मस्जिद चर्च अपने अपने धर्म अनुसार, मैं भी भगवान जाते हैं भारी संख्या में, वहां भीड़ लगा रखते हैं। जैसे कोई संत आए तो हम हजारों रुपया खर्च करके उनके प्रवचन सुनने जाते हैं। भगवान को लाखों करोड़ों अब्जों रुपया का सोना चांदी पैसा दो नंबर दान देकर हर जगह मान सत्कार अच्छे भारी पदों पर स्थान ले रहे हैं। पैसे वालों का इस सब पर अधिकार है क्या? ईमानदार सच्चाई से जो लोग रहना चाहते मजबूरन उनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो उसकी जीवनी चलती नहीं है। तो गरीबों को भूखे आनाजाई कपड़ा है, रहने का घर है और पैसा उन्हीं बुरे लोगों के पास दिन ब दिन बढ़ रहा है। लोगों को पानी अनाज रहने की जगह नहीं मिल रही है, रोज की हालत है। तो क्या इन्होंने पूर्व जन्म में पाप किए ही नहीं? और बड़े मंदिर बन रहे लाखों करोड़ों का चढ़ाव होने से भगवान को सोना चांदी पैसा की कोई जरूरत है? धन्यवाद। अभी जो है वो है दुनिया में नहीं बताया, गांव है तो वहाँ गंदगी भी रहेगी और मंदिर भी रहेंगे और संत सेवा करने वाले भी रहेंगे और गुरु महाराज भी रहेंगे सब। हमारे कैमरा कहाँ रखना है उसके ऊपर जाओ। हम तो नहीं, इस सारे शरीर में जो शुद्ध तत्व है आत्मा उसी के ऊपर दृष्टि रखते हैं। बाकी ये प्रकृति तो उदय कर्म के अधीन है, करेगा सो पावेगा, तू क्यों भयो उदास। इस संसार में ऐसी बात है, अपनी अपनी जिम्मेदारी। यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड। बुरे करोगे भले बाहर जो दिखता है वो मूल कर्म नहीं है, भीतर में भाव है वहाँ कर्म चार्ज होता है। उसकी जो इंटेंशन है मुझे मान मिलना चाहिए, मेरी प्रसिद्धि में होनी चाहिए, कीर्ति मिलनी चाहिए, तो वहाँ उसके बीज गिरेंगे। और हम दूसरे का दोष देखते रहते तो हमारा नुकसान, वो खुद का 10 गुना नुकसान करेगा, हम दोष देखने वाले 100 गुना नुकसान हमारा कर देंगे। तो हम ऐसी दृष्टि लाना चाहते हैं कि हम कितना भी बुरा अच्छा देखें हमें राग द्वेष न हो जाए। समझ में आता है? नहीं, एक बैंक है, बैंक एक आदमी 10 लाख विड्रॉ करता है, लोन लेता है, एक आदमी 10 लाख डिपॉजिट करता है। तो आप अपने 5,000 बैंक से उठ लेने गए तो आपके लिए देखते हैं कि ये 10 लाख रुपया लोन लेता है, ये 10 लाख डिपॉजिट करता है, तो आपके लिए कौन सा आदमी अच्छा बोला जाएगा? रखता है वो, बैंक वाले के लिए कौन सा आदमी अच्छा है? डिपॉजिट रखता है वो अच्छा आदमी है। और सिर्फ लोग डिपॉजिट ही रखते जाएंगे और बैंक वाले में से कोई लोन लेने वाला आएगा नहीं तो बैंक खुशी मनाएगी नहीं? क्यों नहीं? तो उसको दोनों चाहिए, बैंक में लोन भरता है, लोन लेने वाला भी चाहिए, डिपॉजिट भरने वाला भी चाहिए। पर हम हमारे 5,000 लेने गए तो हमें क्या करना चाहिए? खुशी में रहना चाहिए, दुखी होना चाहिए? साला आदमी बैंक में से पैसा उठाता है 10 लाख लेके ले गया, सही बात, हम दुखी होना चाहिए? नहीं। और खुशी दिखना अच्छा आदमी है, बैंक में 10 लाख डिपॉजिट कर रहा है, हम राग द्वेष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसका सुख मिलता ही है। नहीं, मगर राग द्वेष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, राग द्वेष नहीं करना। हाँ, आप अपना 5,000 लेके घर पे जाओ और पत्नी के हाथ में दे दो घर का खर्चा नहीं के लिए। कोई उल्टा बात करे तो हम उसको धन्यवाद कहेंगे? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो,
ये कुदरत की बैंक है, चोरी करने वाले लोन लेते हैं और सेवा परोपकार करने वाले दान देने वाले डिपॉजिट करते हैं, वो खुद ब्याज भुगते गए, ये ब्याज पूरा बैंक को चुकाते रहेंगे। हमें हमारा 5,000 लेके घर पे चले जाने की जरूरत है। हमारा घर ये नहीं है संसार, मोक्ष हमारा घर है, आत्मा हमारा घर, वहां पहुंचो। संसार में तो ये लोन लेने वाले और डिपॉजिट करने वाले लोन लेने वाले चालू ही रहेगा। कलयुग है ना, तो ज्यादा लोग लोन लेने वाले निकलते हैं। सतयुग में डिपॉजिट करने वाले ज्यादा थे, अभी कलयुग में लोन लेने वाले ज्यादा है। हमें कैमरा उनके ऊपर नहीं रखना है। हमारा उद्धार कैसे हो जाए, संसार से हम कैसे छूटे, जन्म जन्मांतर के चक्कर से कैसे छूटे, उसके ऊपर जागृति रखनी है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत की। क्या हम हमारे वाणी, विचार, वर्तन से कर्म बांधते हैं या सिर्फ भाव ही काफी है? कहते हैं हमारे कर्म के ऊपर ही हमारी नेक्स्ट गति निश्चित है। तो क्या कभी हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा होगा? क्या हम मोक्ष गति को प्राप्त कर सकेंगे? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। मेरा क्वेश्चन है, मैं और मेरा कहने से कर्म चार्ज होते हैं, पर व्यवहार में बिना बोले कैसे चल सकता है कि मैं और मेरा हम नहीं बोले? ये ड्रामा, ड्रामा का स्टेज रहता है ना, वो एक्टिंग करता है ड्रामेटिक। मैं राजा हूँ, सबको खत्म कर दूंगा, लड़ाई चालू करो, एक एक को खत्म करो। और बाहर दोनों बाद में हेलो आवाज करेंगे, आधी आधी चाय पियेंगे। तो बोलो मैं मेरा बोलते हैं फिर भी उसको कोई नुकसान नहीं होता है। ड्रामेटिक स्टेज में कभी रह सकता है आदमी, खुद की पहचान है कि मैं सचमुच कौन हूँ। बाद में ड्रामेटिक मैं मेरा सब बोलेगा, भीतर में राग द्वेष नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगा। तो आत्मा की जागृति के बाद में ड्रामेटिक, मैंने चाय बनाई, ये मेरे पति है, ये मेरे चिरंजीवी पुत्र है, सब बोल सकते हो, पर राग द्वेष के कर्म चार्ज नहीं हुई है क्योंकि ड्रामेटिक है। भीतर में आप जागृत में हो कि मैं आत्मा हूँ और ये अंजलि जुदा है, अंजलि के पति है, अंजलि के पुत्र है, मैं तो आत्मा हूँ। तो ये जागृति से मैं और मेरा बोलते हुए भी कर्म चार्ज नहीं होंगे। समझ में आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्मों के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब हमारा जन्म होता है तो हम हमारे पिछले जन्म से साथ में क्या लाते हैं? अगर सभी कुछ हमारा पिछला हिसाब ही है तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? चलिए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। शारीरिक दुख क्यों होता है, उसका कारण बताइए, दुख का कारण क्या होता है? शारीरिक दुख का मुख्य कारण है ये शरीर से हमने, ये शरीर से जो भी हमने सुख लिए हैं, लोन, जैसे बैंक में से लोन लेते हैं तो लोन का रीपेमेंट भरना पड़ता है ना ब्याज के साथ, ऐसे शरीर से जो भी सुख लिए उसका रीपेमेंट भरना पड़ता है। नहीं, आप आइसक्रीम खाते मजा आती है क्या आपको? जी। अरे खाते जाएंगे आराम से और मुंह से गिरने ही नहीं, अंदर उतरने नहीं देंगे, थोड़ी देर मुंह में चबाते रहते बाद में पिघल जाता है तो उतार देना पड़ता है। तो सुख लिया तो रीपेमेंट में दुख आएगा, दांत इतने दुखेंगे रीपेमेंट आ जाएगा। जैसे किसी किसी को ज्यादा जब दुख हो जाए वो क्यों आ जाता है इतना? ओ, गुना किया है कुछ जी, बाद में अहंकार गुना करता है, अरे तेरे से हो सके ऐसे कर, मैं तुझे देख लूंगा। अहंकार करोगे तो कोई अहंकार को दुख भुगतना पड़ेगा, और बाहर से निमित्त नहीं मिले तो शरीर में बहुत दुख की वेदना उत्पन्न होती है। देखो मच्छर यहाँ बैठा है तो नहीं मारने के लिए कोई करता है ना, धीरे से पट करके मार देता है, मच्छर तो भाग गया। और जो द्वेष परिणाम है वो द्वेष परिणाम शरीर में उत्पन्न हो गए, वो द्वेष परिणाम आपको दुख देंगे बाद में। लेकिन जब ये अहंकार मारता है तो हमें क्यों भोगना पड़ता है? हाँ, अहंकार को ही भुगतना पड़ता है, आपको भुगतना ही नहीं पड़ता, आप डरो ही मत। तो ये हमारे साथ ये जो दर्द बना हुआ है तो ये हमें भी तो देता है। ये शरीर को जो दुख होता है तो शरीर का मालिक अहंकार हो जाता है, मुझे दर्द होता है, मुझे बहुत दर्द होता है, सहन नहीं होता। मगर अहंकार ने ही गुनाह किया है तो अहंकार को भुगतना पड़ता है। और इसके उपाय के लिए क्या करेंगे? उपाय को उतना ही है कि दर्द को संभाव से पूरा करो, निमित्त को दोषित मत दो,
डॉक्टर की दवाई या कोई भी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाई ली और दर्द नहीं मिट रहा है तो डॉक्टर को गुनहगार मत देखो, वो निमित्त है, हमारा हिसाब बाकी है, इसके लिए दवाई काम नहीं करती। हाँ, निमित्त बदली करने में हरकत नहीं, निमित्त को दोषी देखने में बहुत हरकत है। या बाद में घर वाली दवाई नहीं दी तो उसको डांट देते, तो ध्यान नहीं रखती, मेरी दवाई नहीं दी टाइम पे, मेरा कितना तकलीफ बढ़ गई। तो किसी को दुख मत दो, आप अपना दुख जो भुगत रहे हो उसको संभाव से पूरा करो, किसी को दोषित मत देखो। हमारे सर का दर्द हुआ करता था तो मैं इलाज कराया, फिर जो है आराम नहीं मिलता है, तो इसके लिए क्या करें? हाँ, टाइम निकालते रहो। ये दर्द का क्या हिसाब है? आपको 20 दिन या 2 साल या 3 साल भुगतने का हिसाब रहता है, तो हिसाब भुगतने तब तक कोई भी दवाई करो काम नहीं आएगी। और एक फालतू दवाई भी मिल गई और काम में आ जाती है, दर्द मिट जाता है, क्योंकि दर्द का टाइम पूरा हो गया, हमारे को भुगतने का हिसाब पूरा हो गया है। तब तक सहन समता भाव से, समभाव से पूरा करना ही पड़ेगा, है ना। उपाय सहज प्रयत्न करते रहो, सहजा सहज उपाय करते रहने का। मिल गई दवाई तो ठीक है, नहीं मिली और दवाई लिया तो भी नहीं मिटा तो भी ठीक है। हम जागृति ये रखना है कि ये प्रदीप कुमार का शरीर को होता है और शुद्धात्मा इसको जानता है, देखता है, उसको दुख नहीं होता है। जैसे होली जलती है, लकड़े जलते हैं तो देखने वाला भी जलता है कि लकड़े जलते हैं? तो लकड़े ही है। हाँ, तो शरीर, सर आप खुद ही बताते, सर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है तो जानने वाला अलग होना चाहिए कि सर ही जानता है कि दर्द कहाँ होता है? तो जानने वाला अलग है। अलग ही होना चाहिए जी। तो आप बताए, इधर से इधर तक दुखता है, यहाँ नहीं दुखता है, दूसरा शरीर में कहाँ भी नहीं दुखता है, तो सारा शरीर को जांच करने वाला शरीर से अलग होना ही चाहिए जी। तो आप जानने वाले वो दृष्टि में रखो कि जो शरीर को हो रहा है उसको जानने वाला वो मेरा स्वरूप है, जो दर्द कर रहा है वो पराया पार्ट है, जड़ तत्व का पार्ट है, और हिसाब पूरा भुगतने का। अहंकार ने गुनाह किया है तो दंड भुगतने के लिए है। समझ आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत की। कर्म क्या है, कैसे बनता है, चलिए समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। मैं पूछना चाहता हूँ, जय सच्चिदानंद, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि है, रमण महर्षि है, स्वामी विवेकानंद है, इतने ज्ञान लेने के बाद भी उन लोगों को लौकिक जीवन में समस्याएं थी, मतलब उनको क्या कारण है? और जो आत्म समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद और आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि ये जो बड़े पुरुष थे, और कोई भी सामान्य है या बड़े कोई भी हो, सभी कर्म के बंधन में आए हुए हैं। कृष्ण भगवान भी प्रारब्ध कर्म से बंधे हुए थे, महावीर भगवान को भी प्रारब्ध कर्म तो भुगतना ही पड़ा, है ना। बड़े पुरुष भगवान खुद, महावीर भगवान जैसे, कृष्ण भगवान जैसे, राम भगवान जैसे, उनको भी कर्म के फल तो भुगतने ही पड़े थे। कर्म पिछले बांधे थे, इस लाइफ में फल भुगत लेते। उनकी विशेषता क्या थी? नए कर्म नहीं बनते थे, रामचंद्र जी, महावीर भगवान, और वो मनुष्य का पुरुषार्थ है। या कर्म सुधारना या कर्म नया न बांधना, वो मनुष्य का पुरुषार्थ है। ताकि कर्म तो अज्ञानता से पूर्व में थी, बन गई, तो कर्म बंधन में आई गए अभी। समझ में आता है आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, तो एक छोटा सा भाव ही हमारे अगले जन्म की मन वचन काया की बैटरी को चार्ज करता है और हमारे संसार व्यवहार की घटमाल को चलाता रहता है। ज्ञानी से ज्ञान पाकर ही इन सारे कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए, आत्मज्ञानी से ज्ञान पाने के लिए, अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करे hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करे dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1-877-505-3232 extension 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी।